हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री राम जन्म महोत्सव एवं विशाल भंडारा का आयोजन संपन्न होने जा रहा है। साथ में शिरडी के साईं बाबा की भव्य पालकी शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस महापर्व में सम्मिलित हो पुण्य के भागीदार बने। 1972 से स्थापित साईं के इस दरबार में पालकी के आने के बाद बाबा करते हैं भक्तों पे चमत्कार। तो समय निकालिए और जरूर आए इस महापर्व में। ओम साई राम। आप एक पीला हाथी खरीद लीजिए और उसको चांदी में लॉकेट बना के गंगा जल से स्नान कर गुरुवार के दिन साईं बाबा के चरणों में अर्पण करिए। इसको पहन लीजिए। आप आने वाले अप्रैल तक शून्य सी सत्याशी से हमारी अपूरी हुई मनोकामना तुम्हारी शादी संपन्न हो जाएगा। आपके घर में सुख शांति आए इसके लिए एक बढ़िया आपको उपाय बता रहा हूँ, सभी लोगों को बता रहा हूँ कि आप किसी भी दिन पीपर के झाड़ में जाके निमंत्रण दे के आ जाइए और दूसरे दिन वहाँ एक नारियल फोड़ के वहाँ की जड़ी को ले आइए, उसको आप लाल कपड़े में बांध के अपने घर में रख दीजिए, अपने लाकर में रख दीजिए, अपने ऑफिस में रख दीजिए। इतना सुख शांति आएगा कि साईं का चमत्कार हो जाए। तो बरबरी जी उस पहाड़ में इस महाभारत को देख रहे हैं। महाभारत समाप्त हुआ तो अयोध्या में जब भगवान राम गए तो पूरे लोग भगवान राम की जय जय बोल रहे हैं और भगवान बोले, भाइयों मेरी जय मत बोलो, इन बानरों की जय बोलो, अगर ये बानर नहीं होते तो मैं विजय प्राप्त नहीं करता। यहां अर्जुन कह रहा है कि हमने ऐसा किया, भीम ने कह रहा है हमने ऐसा किया। भगवान बोले, भाई उस बरबरी से पूछो। तो बरबरी से जब पूछने गए तो बरबरी ने बताया कि भगवान जब जब आपने कोई तीर को छोड़ा एक सुदर्शन चक्र निकला और यही मैं देखा। तब बरबरी ने कहा, प्रभु मुझे इस कलयुग में ऐसा वरदान दीजिए। तब भगवान ने श्याम खाटू के नाम से बरबरी को आशीर्वाद दिए, जिसका बहुत बड़ा धाम आज इस पावन धरती में विराजमान है। ऐसे ऐसे लोग जो अपने जीवन में दधीचि ऋषि ने इंद्र को अपना शरीर की हड्डी दे दिया ब्रह्म हत्या से मुक्त होने के लिए, इसको कहते हैं दान। और जिसके पास धन है अगर वो दान नहीं दिया तो ये मान लीजिए कि जीवन में आप जितना दान कहीं करते हैं वो दान उस दिन आपको दिखेगा। कब दिखेगा? कि वो बैंक का पैसा काम नहीं करेगा, वो दान का पुण्य काम करेगा और मरता हुआ व्यक्ति उस पुण्य से जिंदा हो जाएगा। ये वो कहता है जो सबका मालिक एक है और ये सत्य है। इस सत्य में आप आइए और जब भी आप साईं बाबा को अगर आप ध्यान करते हैं तो उनके अंगूठों का ध्यान करिए। उस अंगूठों में दिव्य आध्यात्मिक शक्ति मिलेगा जिससे आपको एक अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा और एक अच्छा आपको फोकस मिलेगा। तो मैं आप सभी लोग से हमेशा यह बताना चाहता हूं कि हम शिरडी धाम को लेकर 1972 से उस पहाड़ में बैठे हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है कि जैसा शिरडी है वैसा शिरडी बनाना है। और आज जो प्रमाणित है, आज जो 50 साल पहले शिरडी था वही दिख रहा है, मगर आप सब लोग का इस पुनीत काम के लिए सहयोग चाहिए। अगर आप सहयोग देंगे तो यह धाम ऐसा धाम बनेगा जहाँ रोज गरीबों को भोजन कराया जाएगा, जहाँ पर रोज स्कूली बच्चों को ज्ञान दिया जाएगा, वहां रोज निशुल्क बाबा के नाम में दवाई दिया जाएगा। मैं आपसे यही प्रेयर कर रहा हूं कि भक्ति मार्ग, शक्ति मार्ग और ध्यान मार्ग। मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठता हूं, स्नान ध्यान करता हूं, साईं बाबा के ठहरे को पांव पड़ता हूं और पूरी द्वारका माई, लेडी बाग, मारुति हनुमान जी सबको बहारता हूँ। बहारने के बाद फिर मैं अपने गुरु की पूजा करता हूँ।
मैं पहले पूजा नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे गुरु यहाँ रहते हैं, आते हैं, जाते हैं और हर चीज की व्यवस्था करते हैं। जब उस स्वरूप को आप अपने जीवन में उतारेंगे तो वह स्वरूप आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव ले आएगा कि आप समझ में नहीं पाओगे कि मैं कहाँ था और कहाँ पहुँच गया हूँ। तो साईं बाबा का चमत्कार, साईं बाबा की महिमा, साईं बाबा की कृपा कब होगी? जब मैं अच्छे मन से, श्रद्धा के साथ और विचारों के साथ उसके पावन चरणों में अर्पण होऊंगा। और संसार में धनवान होना उतना जरूरी नहीं है जितना व्यवहार सकुशल होना जरूरी है। अगर आपके पास धन है तो धन से आप सब कुछ खरीद सकते हैं, मगर किसी व्यक्ति की, किसी भले व्यक्ति की मान सम्मान पद प्रतिष्ठा नहीं खरीद सकते हैं। साईं के दरबार में ऐसे लोग भी आए थे और उस दरबार में सब समान है, गरीब भी समान है तो अमीर भी समान है। और हमेशा सत्य की पूजा होगी, और इस सत्य की पूजा कब होगी? जब आप इस सत्य को अपने जीवन में उतारेंगे। गुरु नानक महाराज ने कहीं भ्रमण कर रहे थे, किसी राजा को मालूम पड़ा कि आज गुरु नानक महोदय जी इस मार्ग से निकलेंगे। उस राजा ने 56 प्रकार का भोजन बनवाया, पूरे राजपाट में ढिंढोरा पिटवा दिया कि आज महान संत गुरु नानक जी इस गांव में प्रवेश कर रहे हैं, उनके प्रवेश के पावन उपलक्ष में हम 56 प्रकार का भोजन उनके स्वागत में रखे हैं। अतः भाई और बहनों, आप लोग भी आइए। गांव के लोग अपने अपने घर से कोई 2 रोटी बनाया, कोई 4 रोटी बनाया उस गुरु को सम्मान देने के लिए। और जब गुरु नानक महोदय उस राजा के राजमहल में गए और एक किसान वो 56 प्रकार का जो भोजन देखे, और एक किसान ने एक थाली में जब गुरु नानक जी के हाथों में रोटी दिया तो राजा को ठेस पहुंचा। बोले, महाराज, मैं आपकी सेवा में, मैं आपके भाव में इतना बड़ा गैदरिंग किया हूँ, 56 प्रकार का भोग लाया हूँ महाराज, और उस रोटी को छू लिए। गुरु नानक महाराज ने उस रोटी को अपने हाथ से तोड़ा और तोड़े और दिखाए कि देख, इस रोटी से कितना पसीना निकल रहा है, ये किसान है। परिश्रम करके, मेहनत करके, अपने गुरु के भाव से आज मुझे रोटी ला के दिया है, और तेरी रोटी दिखाता हूँ। उस रोटी को जब गुरु नानक जी तोड़े, उसमें खून की धार बहने लगी, तो बोलता, मैं राजा हूँ, राजपाट चलाता हूँ, इन गरीबों को, धन को अर्जित कर करके तो इतना बड़ा बादशाह बना है, जिसका प्रभाव तेरे 56 प्रकार के भोज में आ गया है। ये सत्य है, ये सब भाव है। और ये सत्पुरुषों को जब तक हम समझेंगे नहीं, तब तक हमारा ज्ञान विकास नहीं होगा। हमें तो बातचीत नहीं करना मालूम, किससे कैसे बात करते हैं, गुस्सा आ जाना, टेंशन आ जाना, साईं ने क्या कहा है। धैर्य रखो, कम बात करो, कम सोचो। कोई आपको डांट दिया, आपको गुस्सा आ गया। हम जब यहां आश्रम स्थापना किए, लोग हमको मुसलमान बोले, पागल बोले, चूतिया बोले, बेवकूफ बोले, तरह तरह की बुराई किए, सब कर्म किए, पर हमारा साईं को क्या बोला, चुप रहो, अपना काम करो। हम अपना काम कर रहे हैं और आज वो सरलागत हो रहे हैं, देख के चमत्कार। ये सत्य है। और ये सत्य कब होगा? जब आप अपने जीवन में अपने पापों को अपने सदगुरु को बताएंगे। तब आप रोज प्रेयर करते हैं क्या? करिए रोज प्रेयर कि आज बाबा साईनाथ, दिन भर में मैं कितना अच्छा काम किया, कितना गलत काम किया, बताइए आप। मगर अगर मार्ग में आपको 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये मिल जाता है, सुन लीजिए, आज एक अच्छी चमत्कार बता रहा हूं आपको मैं, तो उस पैसे को लाके आप गंगा जल में स्नान करा के, आप पीला चावल चढ़ा के आप अपने धन स्थान में रख दीजिए। वहां साईं बाबा की कृपा होना शुरू हो जाएगी और जो गल्ला सुना है जीवों ने आपके मन में, दिल में थोड़ी भी जगह बनाई हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। जय साईं राम।